दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करने की पूरी साजिश। आप हमेशा कम्बल में और के घी पीते रहे। आपसे बड़ा अपराधियों का संरक्षण देने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता। कि इतने बड़े पैमाने पर कोई मुख्यमंत्री कोई सरकार होगी। यदि जदयू के विधायकों की लिस्ट निकाली जाए, गोपालगंज से लेकर के जो जदयू के विधायक हैं उसके भाई है, फिर सिवान में जो जिनको आपने विधायक बनाया उनके हस्बैंड, फिर एमपी बनाया, फिर यदि मैं धूमल सिंह छपड़ा आ जाऊं, यदि मैं लगातार एक बड़ा आपकी सरकार 15 सालों में किस तरीके से माफियाओं को, मर्डरर को, बिहार के खजाने के लूटने वाले, जनता के पैसे को लूटने वाले को संरक्षण कैसे मिले, चाहे वो रोड के नाम पर लूट हो, भवन के नाम पर लूट हो, बालू के नाम पर लूट हो, चाहे पहाड़ों के नाम पर हो। यदि मैं लंबी फिरस्त की बात करूं, नवादा से लेके नालंदा गया, और ये सारी चीजें आप रैली में सबके तस्वीर भी दिखी, और आपने तो लगातार ऐसे राज्यसभा सांसद और कई सांसदों को आप लगा दिए हैं कि किन माफियाओं को, किन अपराधियों को खुलेआम ठेकेदारी करने की पूरी छूट, चाहे बाढ़ में लूटने की आजादी हो, चाहे पुल में लूटने की आजादी हो, रोड में लूटने की आजादी हो, एनएच में लूटने की आजादी हो, चाहे बालू में, जिस भी चीजों में। यदि मैं बड़े ठेकों में जाता हूं तो आप गोपालगंज में जिस तरीके से एकाधिपत और फिर पूरी आजादी के साथ उससे पार्टी फंडिंग बराबर का हिस्सा, आप तुम लूटो आजाद हो, तुम किसी को मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके धमकाओ, चाहे कोई जसवाल हो जिसका नाम मुन्ना हो जो आपके काफी क्लोज, क्या आपने आज तक कार्रवाई की? कितने मर्डर हुए? कोई भी अपराधी हो, किसी दल का हो, पहले बड़े भाइयों ने जंगल राज और अपराधी राज कायम किया, फिर आपने माफिया राज और अन्य राज को कायम किया, अपराध राज को कायम किया, बलात्कारों के राज के कायम किया। ये जो आपके जदयू विधायक है, जो आपके शीर्षस्थ नेताओं के अधीन काम कर रहे हैं, पैसा पहुंचाते हैं और 24 घंटा गुणगान में लगे रहते, क्या चुनाव के समय आप यह सोच लिए हैं कि जातीय उन्माद बिहार में पैदा करना है? क्या इस चुनाव को आप ये मान के चल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो जाति के नाम पर भय का वातावरण पैदा करते हैं गोपालगंज में, सिवान में, छपड़ा में। ये हालात है। मैं किसी भी कीमत पर किसी भी हत्या के पक्ष में नहीं हो सकता, चाहे बड़ा से बड़ा किसी भी पक्ष के लोग हों। ना मैं तो निर्दोष को फंसाने के पक्ष में हूं और ना दोषी को बकसने के पक्ष में। जब घटना घटित हुई और कह के मारा गया, और आपको इस बात की जानकारी है, एक बार नहीं कई बार ये घटना घटित हुई और कहा गया, इतने बड़े नरसंहार हुए, उसके पहले भी कई घटना घटी, फिर बाद में घटना घटी,
ये जो आपके जदयू विधायक हैं, इनके भाई जो अपराध के सरगना वो सीधा कहते हैं कि मेरा आधा पैसा केसीआर के पास, मैनेजमेंट के पास पहुंचता है, दुनिया जानती है। और आज जिन पर किडनैपिंग का, अपराध का सारा आरोप हो, वो आपके दल के सर्वोसर्वा हैं और उनको ठीका आप देते हैं पैसे का भी और राजनीतिक रूप से 6 विधानसभा चुनाव जिताने का भी। बिना अपराधी और माफिया के चुनाव जीतने की क्या हैसियत समाप्त है? पहले भी यही हालात थे। आप ऐसे लोगों को रोकिए और ऐसे लोगों के बदौलत जो आप 15 सालों तक लगातार राज कर रहे हैं, ये अपने मियां मिट्ठू बन चुके हैं लोग। अब 47 या 56 और ताकत के बदौलत ये डराना चाहते हैं। याद रखिएगा, जनतंत्र के सामने बड़ी सी बड़ी ताकतों की अपराध का इतिहास मिट जाता है। लोगों में आक्रोश है, समाज के कमजोर, गरीबों और वंचितों में बड़ा आक्रोश है। लगातार हमला, लगातार हत्या, एक तरफ क्वारंटाइन का डर, कोरोना वायरस का डर, आपके मौत, भूख का डर, आपके द्वारा हाथ घर बेघर कर दिए उसका डर, और दूसरी तरफ पूरी सत्ता का, अपराधियों का डर जिसको संरक्षण प्राप्त है आपके द्वारा। ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करिए, चाहे वो बड़ा से बड़ा नाम क्यों ना हो। अंतरात्मा का परिवर्तन जरा कर लीजिए। और मेरा आग्रह होगा कि ऐसे अपराधियों के बदौलत ना तो कोई राज बसता है ना इंसानियत। ऐसे अपराधियों का जगह जेल में है, एसपीडी ट्रायल है। इस केस में एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। एसपीडी ट्रायल कर फांसी की सजा हो चाहे मुकव्वल सजा हो। लगातार हमला करने की बात हो रही है, फिर से मारने की बात चल रही है, लगातार धमकी दिए जा रहे हैं। ऐसे जदयू के विधायकों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की ओर बिहार जा रहा है। बिहार कंप्लीट रूप से आक्रोशित है। यदि इस तरह के हरकत विधायक आपके करते रहें तो सामाजिक ताना बाना टूटेगा और फिर ऐसे अपराधी जल के राख हो जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा सर पेरे पे। समाज ऐसे अपराधियों को नहीं बख्शेगी। आप जितना संरक्षण दे लीजिए, यदि आपने ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो एक बड़ा आक्रोश समाज के द्वारा होगा और फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप 2 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करिए, अन्यथा आक्रोश के लिए आप